समाज सेवक बड़का भाव एक बार फिर सुर्खियों में है। मामला है हमीरपुर जिला के भोरंज का। इस विकासखंड में कसियाना गांव के लिए 70 वर्षों से फुटब्रिज ना होने से लोगों में रोष है। फुटब्रिज ना होने के कारण गांव के लोगों की आवाज बन संजय शर्मा ने प्रशासन के सामने लोगों की मांग रखी है कि इस पर फुटब्रिज बनाया जाए। हमीरपुर जिला प्रशासन से लोगों ने मिलकर गुहार लगाई है कि उनके गांव के लिए फुटब्रिज ना बनने से रोजमर्रा की जिंदगी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमें फुटब्रिज की मांग की है। 70 साल से हम वंचित हैं, जहाँ हम ना जा सकते हैं। हमें बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बिल्कुल रास्ता नहीं है हमारे लिए। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें फुटब्रिज मिलना चाहिए। 70 साल हो गए जी, 70 साल से हमारी कोई सुनाई नहीं है। किसके पास जा रहे हैं सब, बस हमें ऐसे ही टाल दे रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं है। ये कष्ट है कि हमें फुटब्रिज चाहिए। इतना खतरा है वहाँ पे, बच्चे नहीं आ जा पा रहे स्कूल को, स्कूल हमारा इतनी दूर है, तो हम बहुत परेशान हैं। पहले भी दे चुके हैं जी 20,000, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है। और गांव वाले भी इतने परेशान हैं, बच्चे हैं, लेडीज हैं, जैसे भी इनकी डिलीवरी होनी है तो कुत्तों की तरह तो उनको घसीट घसीट के रोड पे पहुँचाते हैं। हमारी बहुत दशा खराब है। रखा है कि इनके गांव में रिश्ता भी मत करो, इस गांव में ऐसे बच्चे थे सब करो। इनको रोड नहीं है, इनको कोई सुविधा नहीं है, तो लोग पहले ही देख के मना कर दे रहे हैं। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र क्रोच की रिपोर्ट।